आदि मालीवाल के मुद्दे पर अखिलेश का रिएक्शन, जिससे मायावती को ये रिएक्शन रास नहीं आया। जी आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछे गए स्वाति मालीवाल को लेके, तो अरविंद केजरीवाल से कोई जवाब नहीं सूझा। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल का बचाव भी किया। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर पहली प्रतिक्रिया दी। उनकी प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई है जब लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में जब अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जी हां, उनकी जगह अखिलेश ने कहा कि इससे भी ज्यादा जरूरी मुद्दे। उन्होंने कहा, भाजपाई किसी के सगे नहीं, भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला एक बड़ा गैंग। इन सबके बीच भाजपा सुप्रीमो ने गुरुवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और महिला सुरक्षा पर इंडियन अलायंस के दोहरे रूप पर सवाल उठाया। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व उत्तीर्णता के साथ किसी भी नेता द्वारा अन्य कोई भी गलत कार्य करने पर सख्त कार्रवाई के मामले में चाहे कोई भी पार्टी या इंडी या अन्य गठबंधन हो, इन्हें दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए, अर्थात इन्हें बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व से जरूर सबक लेना चाहिए। मायावती ने लिखा कि अतः आप पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद के साथ सीएम आवास में अभद्रता के गंभीर मामले पर देश की नजर दोषी के विरुद्ध अब तक कार्रवाई नहीं की है। जी हां, ऐसे में राज्यसभा से सभापति व महिला आयोग को किस बात की निश्चित संज्ञान लेने की जरूरत है। दरअसल लखनऊ में आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें पत्रकारों ने केजरीवाल से स्वाति मालीवाल से हुई मारपीट पर सवाल पूछा, पर सीएम ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन इनका बीच बचाव अखिलेश यादव ने जरूर किया।